गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। अच्छे हैं सर फाइन सर। फाइन फाइन ओके सर। ओके। गुड इवनिंग सर। इवनिंग जी। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए। हेलो देखो यार, थोड़ा हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है, हमारा आर्थर पोडा से स्टार्ट करना हमें। यस सर। यस सर। यस सर। आर्थर पोडा का मतलब है जॉइंटेड लेग, ठीक है? सर ये लार्जेस्ट ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आर्थर पोडा का मतलब क्या हो गया? मींस जॉइंटेड लेग्स ग्रुप, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया हमारा इसका। ओके, मतलब इसमें जॉइंटेड लेग्स का ये ग्रुप है ये, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल एनिमल किंगडम। किंगडम, ठीक है। सबसे इजी दो पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो पिछले वाले एनालिडा के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई जो एनालिडा था उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सर ऑर्गन लेवल इन द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंड बाय सेम होगा, ठीक है सर। यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमेट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे सर? बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री एंड बॉडी इज सेगमेंटेड। बॉडी क्या होनी चाहिए इसकी? सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड, जैसे हमने एनेलिडा के अंदर क्या पढ़ा था, जो हमारा अर्थवर्म था उसके अंदर सेगमेंट्स थे ना? यस सर, डिफरेंट सेगमेंट। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी होगी, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज सेगमेंटेड
इनटू, किसके अंदर सेगमेंट होना चाहिए, सेगमेंटेड इनटू किसके अंदर, सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स है ना, ऐसे लिख सकते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, सेगमेंट्स, और वो डिफरेंट सेगमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, फ्यूजन सर, पैरापोडिया और एक नॉर्मल सेगमेंट्स। आपको पता है आपने कोई भी आर्थ्रोपोडा देखा हो, आर्थ्रोपोडा का जैसे स्पाइडर हो गया, कॉकरोच हो गया है ना, और बटरफ्लाई हो गई हमारी है ना सर, तो, हाँ तो जो आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपको ना हेड अलग दिखाई देगा, जो सिर होता है ना उसके बीच वाला पार्ट जो थोरैक्स होता है वो अलग दिखाई देता है, लेग्स अलग दिखाई देते हैं है ना, एब्डोमेन अलग दिखाई देता है, तो जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो आप अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन एनालिडा के अंदर क्या था, सिर्फ सेगमेंट थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, yes, sir, वो नहीं कर सकते उनको आप yes, सेगमेंट्स में ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये सेगमेंट्स हो रखे, इसमें क्या कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट है लेकिन यहाँ पे ना अलग से रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे हेड हो गया, थोरैक्स हो गया है ना, और कोई कोई एनिमल्स में दोनों चीज कंबाइन है, हेड एंड थोरैक्स एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे है ना, एब्डोमेन अलग होते हैं, लेग्स अलग होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम सेगमेंट्स के थ्रू इसमें हम अलग अलग चीजें को दिखा सकते हैं यहाँ पे है ना, तो बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, जैसे कि हेड, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, और कुछ कुछ एनिमल्स में, कुछ कुछ एनिमल्स में हेड एंड थोरैक्स दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स, थोरैक्स, इसका मतलब है कि हेड एंड थोरैक्स कैसे है, दोनों कंबाइन है, थोरैक्स वाला, थोरैक्स वाला पार्ट, ठीक है सर, कौन सा पार्ट बोला था आप, चेस्ट वाला, चेस्ट, ठीक है, और उसके बाद एब्डोमन, ठीक है, तो सिफेलोथोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं आपस में, मतलब ये कुछ कुछ एनिमल्स में हेड थोरेक्स एब्डोमन, कुछ कुछ एनिमल में सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन है ना, यस सर, एंड जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, यस सर, सर ये जॉइंट लेग्स का क्या मतलब है, मतलब जैसे हमारे जुड़े रहते हैं तो ऐसे जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड लेग्स का मतलब है कि ये जो, हाँ बिल्कुल, जो ये ग्रुप है हमारा, आप देखते होंगे कि उससे पहले वाले ग्रुप में क्या था, पैरापोडिया थे हमारे, पैरापोडिया क्या होते हैं कि जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेग्स आपको मिलेंगे आपको, ठीक है, और पैरापोडिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही वो फिक्स होते हैं, मतलब है ना, जैसे आप आर्थ्रोपोडा देखो, एनालिडा के अंदर अर्थवर्म देखोगे, और जो अर्थवर्म है उसके जो पूरी बॉडी पे जो है वो सिर्फ वहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जो उसके लेग्स टाइप के जो आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे अटैच्ड है पूरी होल बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसेक्ट में, हाँ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स में क्या है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फीचर्स के अंदर आपको ये चीजें दिखाई दे सकती है, है ना, पूरी पूरी होल बॉडी के अंदर तो नहीं होता ना भाई, हेड पे कोई लेग्स तो नहीं होते, नो सर, ठीक है, नो सर, ओके, देखो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को हर चीज को, हर चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, जो सिलो, सिलोमेट है या एसिलोमेट है, देखो ये हायर ऑर्गेनिज्म की साइड हम जाते जा रहे हैं, पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेट पढ़ा, प्लैटीहेलमिंथीस पढ़ा, नेमाटोडा पढ़ा, एनालिडा पढ़ा, तो धीरे धीरे हम आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की साइड हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो कॉम्प्लेक्स की साइड बढ़ते जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स चीजें आती चली जाएंगी, है ना, यस सर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलोम, सिलोम इज प्रेजेंट, सिलोम क्या हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और सिलोम के अंदर क्या होता है, गट,
सर बॉडी कैविटी, कैविटी होती है ना, तो सिलोम ठीक है, या फिर आप बॉडी कैविटी भी बोल सकते हो उसको। बॉडी कैविटी जो होती है इज ब्लड, सिलोम कैविटी को गैस्ट्रो कैविटल गैस्ट्रोवैस्कुलर भी कहते हैं ना, फिल्ड विद ब्लड या विद ऐसे मतलब को ऐसे लिख लो विद विद ब्लड ठीक है। मतलब सिलोम कैविटी आर्थ्रोपोड के अंदर फिल्ड होती है ब्लड। देखो हमें सिलोम कैविटी तो पता है, इट इज अ ट्रू इंटरनल कैविटी। सिलोम क्या होता है, हमारा ट्रू इंटरनल कैविटी होती है। पे एनिमल सिलोम क्या होता है, सिलोम इज ट्रू इंटरनल कैविटी होती है ठीक है। और इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एक कैविटी भी होती है जिसके अंदर ब्लड फिल भी होता है हमारा। जैसे हमारे अंदर स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स है ना, तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लूइड फ्लो होता है ठीक है। ऑर्गन्स हमारे अलग अलग है ना, तो हर ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स आपस में कंबाइन होकर एक नया एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो सिलोम कैविटी होती है उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है ओके। यस सर, सिलोम कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। नहीं गैस्ट्रोवैस्कुलर नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम, सिलोम कैविटी इज अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ठीक है। ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब की चीजें होती है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग होता है, गैस्ट और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी को अगर हम देखेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर सिलोम कैविटी हमें प्रेजेंट मिलेगी मिलेगी, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक एक और स्पेसिफिक चीज के अंदर। सर ये सबसे प्रिमिटिव, हाँ मतलब सबसे प्रिमिटिव नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड जा रहे हैं ना मैडम। जैसे पोरीफेरा था वहां पे ये चीजें थी नहीं, उससे आगे बढ़े सिलेंट्रेड। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो तो सर वही है ना। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हमारी कौन सी कैविटी होती थी जिसके अंदर से पूरा का पूरा फूड और वो प्रिमिटिव है ना। हाँ वो प्रिमिटिव है ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई जो जैसे हमने प्लांट किंगडम को लेके चलते हैं, जैसे हम एल्गी हो गई, ब्रायोफाइटा हो गया, टाइडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। पहले एल्गी के अंदर बहुत चीजें नहीं थी, उसके बाद ब्रायोफाइटा पाए कुछ चीजें थी, फिर हम टाइडोफाइटा पाए उसमें थोड़ी बहुत और चीजें थी, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, फिर हम और आगे बढ़े एंजियोस्पर्म में उसमें सारी सारी चीजें थी, मतलब कॉम्प्लेक्स के साइड जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक मतलब एक प्रिमिटिव मतलब एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था हमारे पोरीफेरा। पोरीफेरा से बढ़े आगे थोड़ी और चीजें आ गई इसके अंदर, थोड़ी और आगे बढ़े और चीजें आ गई हैं, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 हम ह्यूमन पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ह्यूमन पे पहुंचेंगे तो ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड ठीक है, समझते ना आप लोग। यस सर, सबसे विकसित कौन सा एनिमल है, ह्यूमन है। यस सर, है ना। तो ऐसे ही ऐसे इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं साथ में हम, कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, तो हम इवोल्यूशन भी पढ़ रहे हैं, हम ये चीजें भी देख रहे हैं। तो हमारे पास मतलब इजी है, अगर आप लिंक करके चलोगे ना, पोरीफेरा को सिलेंट्रेट से लिंक करके चलो, सिलेंट्रेट को प्लेटी हेलमेंथीस से लिंक करके चलो, फिर प्लेटी हेलमेंथीस को एनेलिडा से लिंक करके चलो, नेमेटोडा से लिंक करो, उसके बाद आर्थ्रोपोडा से लिंक करो, तो लिंक करके चलोगे ना तो आपको याद भी होगा, मजा भी आएगा, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, समझ रहे हो। यस सर, एक बार सिफेलोथोरेक्स का मतलब थोरेक्स का क्या मतलब है। देखो सिफेलो का मतलब होता है, बायोलॉजी के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, सिफेलो का मतलब होता है हेड, और थोरेक्स का मतलब हमारे चेस्ट कैविटी। तो आपने इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा ठीक है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स आपको अगर देखोगे तो आपको कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे नजर आएंगे कि हेड अलग है, थोरेक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है, और उसका पीछे वाली टेल अलग है ना। कुछ आपको इंसेक्ट्स ऐसे नजर आएंगे कि हेड और थोरेक्स आप आपस में कंबाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट
चीजें नहीं पता चल रही इनमें कि हेड कौन सा, मतलब इसके एग्जांपल है जो सर उन्हें भी ग्रुप में बांट रखा है अलग अलग, बहुत सारी क्लासेस है इसके अंदर, पर हमें क्लास नहीं पढ़नी है, आने वाली क्लासेस में हम बढ़ेंगे आगे, जैसे 11th आएगा, 12th में तो है नहीं चीजें, जैसे आप लोग आगे जाके बीएससी करो, एमएससी करो, जो भी करोगे आप लोग आगे जाके अगर बायोलॉजी के अंदर, तो आपको ये चीजें आपको और क्लासेस में पढ़नी पड़ेगी, तो आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। थोरैक्स का मतलब किसका, थोरैक्स चेस्ट कैविटी, हाँ चेस्ट वाला जो, देखो हमारे अंदर थोरैक्स जो है ना ये हमारी चेस्ट कैविटी है, ठीक है, मतलब कि नेक के नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है हमारा थोरैक्स है, उसके नीचे आओगे जहाँ पे हमारा पेट है, इंटेस्टाइन है, ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, तो एब्डोमेन ये हो गया हमारा चेस्ट, थोरैक्स हमारा चेस्ट कैविटी हो गई, ये नेक हो गई हमारी, और ऊपर वाला हेड हो गया हमारा, ठीक है। यस सर, मतलब जो हमारे लिम्स होते हैं अगर मतलब हम लंग हटा दे अपने तो जो कैविटी बचेगी वो थोरैक्स है। बिल्कुल। ओके सर, सर इसमें भी तो ज्यादा मतलब इसमें सिर्फ हेड और थोरैक्स कंबाइंड है, इस वजह से हम इसे ह्यूमन नहीं कह रहे ना, तो ज्यादातर ज्यादातर चीजें तो मिल ही रही हैं, तो ह्यूमन तो वैसे भी नहीं बोल सकते ना बेटे इसे। हाँ सर, नहीं बोल तो नहीं सकते, ऑर्गेनिज्म है ना ये। हाँ मतलब कुछ चीजें देखो ना, मैं वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कुछ चीजें आगे बढ़ आगे चलते जाओगे ना, कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो ह्यूमन में भी है ना। सर यस सर, इसीलिए तो भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन हमें ह्यूमन तक पहुंचना है, तो ह्यूमन तक पहुंचना है, तो धीरे धीरे उसके टाइप बढ़ते जाएंगे ना, कुछ चीजें मिलती चली जाएंगी उसकी उनकी, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन बताएगा सर क्या? आर्थ्रोपोडा इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलेगा आगे तक। यस सर, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यस सर, क्योंकि ये इवॉल्व हुआ है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? थ्री आर प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म हमारी तीनों चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या है? फाउंड इन आर्थ्रोपोडा इज फाउंड इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये ट्रियल एंड एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये, एक्वेटिक भी होते हैं ये सर। एम्फीबियन, एम्फीबियंस बेटा बहुत आगे जाले पढ़ेंगे हम आगे जाके, कोडेट्स में आता है एम्फीबियंस, ठीक है। मतलब अभी मिडिल स्टेज नहीं आई इनकी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन नोज से, थ्रू, अगर कोई एक्वेटिक होगा तो थ्रू गिल्स से करेगा, यस सर, है ना। टेरेस्ट्रियल होगा तो थ्रू ट्रैकिया से करेगा, ट्रैकिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं इनके अंदर? एनस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपने पढ़ा है पहले भी, आपको पता है, लेकिन आपके पास वो माइंड में नहीं आ पा रहा अभी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या होता है? मालफीजियन ट्यूब्यूल। जैसे ह्यूमन के अंदर किडनी होती है, ऐसे ही इनके अंदर मालफीजियन बॉडी होती है। मालफीजियन मतलब किडनी की तरह वर्क करेगा। एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो आर्थ्रोपोडा के अंदर बनेंगे वो उसको एक्सक्रीट करवाएगा, बाहर फेंकवाएगा, ठीक है।
एनस क्या है? एनस कहाँ पे काम करेगा? ये तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ी ना है। यस सर, यस सर, यस सर, समझ लो ना। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है इनकी? एलिमेंट्री कैनाल फुली डेवलप, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट है, दैट इज माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस, माउथ एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ एंड एनस टू एनस, है ना, माउथ टू एनस, एंड दीज माउथ और एनस प्रेजेंटेड इन डिफरेंट एंड प्रेजेंट अपोजिट, ठीक है, प्रेजेंट क्या होंगे अपोजिट में, ठीक है। yes, sir. मतलब कि माउथ अगर यहाँ yes. पे होगा तो एनएस यहाँ पे होगा, तो अपोजिट साइड पे, है ना। यस सर, कोई भी एनिमल बना देंगे आप। एनिमल बेटा है, देखा, ये माउथ है और ये एनस है, ठीक है। yes, मुझे खुद नहीं पता है। एनिमल बनाया ना मैंने, तो मैं मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या एनिमल बना दिया। देखो अब इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका सर? और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ह्यूमन के अंदर क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है सर? नहीं, ह्यूमन के अंदर क्लोज टाइप का होता है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर क्लोज टाइप का होता है, तो इसके अंदर कैसा होना चाहिए? क्लोज टाइप। अरे नहीं यार, ये तो बहुत प्रिमिटिव है। ओपन टाइप है, एक क्लोज टाइप तो दूसरा क्या होता है? ओपन टाइप, बिल्कुल सही बात है, ओपन टाइप, ओपन टाइप। हां, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम होने का क्या मतलब है? अरे बता रहा हूं, लिखने तो दो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो एक डिफरेंट टाइप के एक सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो नहीं करता है। जैसे ह्यूमन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, स्पेसिफिक चीजें होती है ना, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक चीजें होती है ना। यस सर, ऐसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें नहीं होता है, वो सिलोम के अंदर घूम रहा है ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड होता है फ्लो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप yes, को, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है किसमें वो बह रहा है, ठीक है सर। एक बार दोबारा समझा दीजिए, सिलोम के अंदर घूम रहा है, मतलब सिलोम तो कैविटी है जिसके अंदर घूम रहा है। देखो अभी एक पॉइंट ऊपर लिखवा है बेटा, देखो ये ना, सिलोम इज प्रेजेंट, सिलोम कैविटी दैट इज बॉडी कैविटी, वो ब्लड से फिल्ड है, यही बता रहे है ना। yes, sir. तो अगर सिलोम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई स्पेसिफिक एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा फाइलम है इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है सिलोम कैविटी सर, है ये मतलब ओपन सर्कुलेटरी, मतलब इसका यही तो है ना कि ये वीन्स और आर्टरीज मतलब इसको कैरी नहीं कर रही, इसका मतलब हाँ, है ना कि हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये तो है सर, स्पेसिफिक पाथवे से नहीं जाता ब्लड। देखो लिख देता हूँ मैं, ब्लड इसका मतलब सर ये तो नहीं है ना कि इसे बॉडी ने एनक्लोज नहीं कर रखा, ये बाहर मतलब ऐसे ही घूम रहा है। हाँ तो ब्लड एक बाहर एक कैविटी में घूम रहा है ना, एक स्पेसिफिक कैविटी, मतलब एक स्पेसिफिक चीजें नहीं है इनके पास, है ना। yes, इसका मतलब ये थोड़े के बाहर निकला हुआ ऐसा ना, ब्लड को अंदर ही है पर सिलोम के अंदर घूम रहे हैं। तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को देख तो क्या बाहर ब्लड घूम रहा होता उनका?
नो सर, सर यही तो कह रहे हैं सर, सिलोम में घूम रहा हूँ। सर सिर्फ सिलोम में घूमता है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही सिलोम में इसका मतलब। सर ब्लड डज नॉट के बाद क्या लिखा? क्या चीज? ब्लड डज नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो इन वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है? यस सर। सर ब्लड वेसल फ्लो नहीं करता है, प्रेजेंट ही नहीं है ब्लड वेसल। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसे जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इनका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता। हाँ सर, आर्टरीज वेंस नहीं होती। क्या चीज? यस आर्टरीज और वेंस नहीं होती। यस आर्टरीज और वेंस नहीं होती। यस सर वैसे ठीक है सर, एक बार ट्रिप्लोग्लास्टिक के नीचे से दिखा दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, मैं दोबारा से आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ये चैप्टर हमारा कब खत्म हो जाए? सर आज खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। बेटा कोशिश पूरी है, समझाना भी पड़ेगा आपको, लिखवाना भी पड़ेगा, है ना? ऐसे जल्दी जल्दी भागनी है नहीं, लेकिन ढंग से समझ के चलेंगे आगे, है ना? यस सर, सर साथ साथ ही लिखना चाहिए। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। बिल्कुल हाउस फ्लाई सर, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई सर, सिल्क वॉर्म सर, कॉकरोच, कॉकरोच सर, स्कॉर्पियन भी आता है क्या? नहीं सर, स्कॉर्पियन, प्राउंस, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। चलो नोट करो उनको सबको, ये लो यहाँ से। प्रॉन्स के बाद स्कॉर्पियन, एक कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे? कैसे मतलब? बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं? सर यूनिसेक्सुअल। यस यूनिसेक्सुअल सर, यूनिसेक्सुअल सर, बाइसेक्सुअल। आर्थ्रोपोडा इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ओके सर। एक्सोस्केलेटन किस चीज से बनी हुई है? इज फॉर्म्ड सर क्यूटिकल, क्यूटिल बाय सर क्यूटिल, टाइटिन सर, क्यूटिकल, ठीक है, टाइटिन, यस, ठीक है, ओके यस। चलो अब नोट करो उनको पूरे को। सर मस्कीटो भी आता है क्या इसमें एग्जांपल? मॉस्किटो नहीं आता बेटा, मॉस्किटो प्रोटोजोन्स में आता है। ओके क्रैब्स भी तो है। हाँ देखो इसको नोट करो, ठीक है? सर इसमें वो इंसेक्ट भी आते हैं खाली? सर आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ शिटिन, सिर्फ इंसेक्ट्स होना सर, प्रॉन्स तो फिश में आ जाता है।
सर डन लिख लिया यस 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 सर एक मिनट सर दो मिनट आपको डिफरेंस भी लिखना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक है अभी लिखना है या फिर हमारा अभी लिखोगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा और बाद में लिखोगे तो घर पे तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे सर ये किस लिए डिफरेंस किस किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी में मेन डिफरेंस तो यही है ना सर कि क्लोज में जो है ब्लड वो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में सर वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट सर ओपन में ब्लड वेसल्स में घूमता है और भी डिफरेंसेस होते हैं सर डन डन हां जी सर यस सर नीचे आ जाओ सर दो मिनट से ऊपर कर दीजिए डन
सडन सर एक्सोस्केलेटन वाला डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। पर एक्सोस्केलेटन क्या मतलब? देखो एक्सोस्केलेटन जैसे मैंने आपको बताया है एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड सर, आउटसाइड। एक्सो का आउटसाइड, आउटसाइड पे जो कवरिंग है उसकी आर्थ्रोपोड्स के अंदर किस चीज की है? वो काइटिन की बनी हुई है। ओके सर। देखो ओपन में ओपन और क्लोज का डिफरेंस देखो, ओपन एंड क्लोज का, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। सी एस का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। यस सर। देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं दोनों का। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? जैसे क्लोज में क्या होता है, जैसे एक हमारा हार्ट होता है, मान लेते हैं ये हार्ट है हमारा ठीक है, HART हार्ट है ठीक है, ये हार्ट हो गया हमारा ये रहा, और एक साइड से ब्लड आता है ना, यहाँ से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे कहाँ से आ रहा है ब्लड, कहाँ से आता है सर? आर्टरीज और वेंस सर। ये हमारे टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है हमारे। यस ठीक है। ब्लड आता है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स भी होती है ना ऐसे। हाँ सर। ऐसे और ये आपस में ज्वाइन होकर दोबारा से हार्ट में पहुंच जाता है, ऐसे ही होता है ना ठीक है। जैसे जैसे यहां से ब्लड आया, मतलब कि हार्ट से ब्लड आया ठीक है, हार्ट से ब्लड गया यहाँ पे बॉडी टिश्यू के पास, बॉडी टिश्यू के पास ब्लड गया, और यहाँ से बॉडी टिश्यू के पास ब्लड जाने के बाद टिश्यू के साथ एक्सचेंज किया गैसियस का एंड वापसी यहाँ पे वापसी आ गया ठीक है, और ये हार्ट पंप करता है ठीक है, और ये ब्लड ये सारे हैं क्या कह रहे हो सर? ये बॉडी टिश्यूज कैपिलरीज होंगी ना? बॉडी टिश्यू का मतलब है सेल्स, टिश्यू का मतलब क्या होता है? सर सेल्स से बनी हुई। आप ये सोचो नहीं, हमारा एक लीवर है यहाँ पे ठीक है, लीवर से भी तो ब्लड आता है ना, और लीवर पे ब्लड जाता है तो लीवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है तो मैं उसे टिश्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लीवर की सेल से बना हुआ लीवर। यस सर। यस सर। है ना ठीक है। तो यहाँ से वो एक्सचेंज करके गैसियस का वापसी हार्ट में पहुंचा के हार्ट दोबारा से होता क्या है कि ये लंग्स है, मान लेते हैं हमारे ये लंग्स है ठीक है, लंग्स से ये अटैच होता है हार्ट, मतलब की हार्ट अटैच मतलब की वेसल्स जारी होती है इन पे है ना, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेता है लंग्स से और हार्ट के पास पहुंचाता है ऑक्सीजन, एंड हार्ट क्या करता है दोबारा से पंप करके बॉडी टिश्यू, एंड बॉडी टिश्यू से दोबारा हार्ट ठीक है। मैं पूरा तो समझा नहीं पाऊंगा अभी, बहुत बड़ा प्रोसेस है इस चीज का समझने का ठीक है। तो ये जो हमारे वेसल्स है ये हमारा ऑक्सीजन कैरी कर रही है, और ये जो वेसल्स है हमारी ये CO2 कैरी कर रही है ना। यहाँ पे क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो पंपिंग ऑर्गन होता है यहाँ पे, जो पंपिंग जैसे पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है, यहाँ पे हार्ट नहीं होता है,
तो ये जो कैविटी है, ये जो मैं कैविटी बना रहा हूँ, जैसे ये तो ब्लड वेसल्स है हमारी, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये क्या होता है फिर, ये बॉडी कैविटी होती है हमारी, क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, सिलोम, और इन बॉडी कैविटी यस को अ क्या बॉडी बोलते हैं, को हीमोसिल, मोसिल ठीक है, क्या बोलते हैं ना, हीमोसिल बोलते हैं, ठीक है, मोसिल ये हीमोसिल आएगा और जाएगा टिश्यू के पास, ये रहे मान लेते टिश्यू, ये रहे हमारे टिश्यू, हीमोसिड सर, ये वाला समझ नहीं आया। जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स बोलते हैं ऐसे बॉडी कैविटी को यहाँ पे हीमोसिल बोल रहे हैं, जिस पे ब्लड ओके फ्लो सर, होगा, ठीक है, और यहाँ पे ओके सर, आके ये छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट गया और ब्लड टिश्यू के पास पहुंच गया, अब यहाँ से टिश्यू से दोबारा से ब्लड लिया एंड दोबारा से सेल्स पहुंचा दिया पंपिंग ऑर्गन पे, ठीक इमोशंस में है, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ब्लड टिश्यू के, लेकिन यहाँ पंपिंग पे क्या है, ऑर्गन नहीं है ब्लड ना, ब्लड जो है ओपनली टिश्यू के पास गया है और वापस यहाँ से आया है, ठीक है, सब पंपिंग ऑर्गन नहीं है ना इसके पास, क्या चीज, सब पंपिंग ऑर्गन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये में दोनों पंपिंग ऑर्गन इसका, सर क्या है, नाम क्या है, नाम कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये रेगुलेट होता है वॉल्व्स के थ्रू, ठीक है, हाँ ओके सर, वॉल्व्स के थ्रू रेगुलेट होता है, यहाँ पे वॉल्व्स लगी होती है ना हमारी, यहाँ पे क्या होती है वॉल्व्स लगी रहती है यहाँ पे हमारी, है ना, इस टाइप की वॉल्व्स होती है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा हैंग हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स में भी तो वॉल्स होते हैं ना सर, हाँ ताकि सर होती है सर, जो कार्बन होती है होती है होती है, डाइऑक्साइड वाला ब्लड है सर वो बैक फ्लो ना बिल्कुल कर बिल्कुल जाए। बिल्कुल यस बिल्कुल सर, सही होती है, इस टाइप से, ओह ये क्या हो गया, इस टाइप से वॉल्स लगी रहती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, यस सर, ऐसे, ठीक है, कैविटी में प्रेशर होता है ना सर, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। देखो पीछे से ब्लड आएगा है ना, ब्लड आएगा तो प्रेशर तो अपना भी बनता चला जाएगा ना, यस सर, ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड है पूरे का पूरा टिश्यू में फैल गया है, फिर टिश्यू से फिर दोबारा ले लिया गया है, यहाँ पे क्या है टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं फैलता, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, ये क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, सॉरी कैपिलरीज होती है यहाँ पे, छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज होती है ना जो, यस सर, यस सर, ये होता है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो नोट करते हैं ना, हैंड टू हैंड में टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी अलग से, ब्लड इज पम्प्ड इनटू इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर पम्प्ड होता है ब्लड, ठीक है, यस सर, और यहाँ पे क्या होता है सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द वेसल्स, ब्लड ठीक है, वेसल्स, वेसल्स बाय हार्ट, यस सर, ठीक है, और क्या लिख सकता हूं मैं थर्ड पॉइंट में, ब्लड कैपिलरीज सिस्टम इज एब्सेंट, यस सर, उसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है ना, तो यहां क्या लिख सकता हूं, कैपिलरीज सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, यस सर, यस और सर, क्या लिख सकता हूं मैं, एक बार डायग्राम,
फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। और यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग टिश्यू विद द टिश्यू टिश्यू, ठीक है। यहां पे क्या होता है, नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यहां पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैसेस अकर्स, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे, सिक्स पॉइंट क्या हो सकता है सर, वेन्स आर एब्सेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कस, मोलस्कस यस में, ठीक है, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोडा में होता है। और ये क्या होता है, Present in mammalia, annelida, and yes sir, annelida and vertebrates, invertebrates, yes sir, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चे, yes sir सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिए। हाँ डायग्राम देख लो, सर इसमें कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होता अर्थ्रोपोडा में, तो फिर सर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो होता नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये इनफ टाइप के ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इनके पास ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता अलग से। ओके सर, ठीक है, वहां से वो अपना लेन देन कर लेते हैं। सर हाँ सर, इस थोड़ा सा नीचे कर दिए सर, वो सेकंड पॉइंट देखना है मेरे को, समझ में आता जा रहा है ना हर चीज आपको, एक एक चीज, यस सर, यस सर, चलो अच्छी बात है सर। मोल्यूसिस का मतलब, मोल्यूस का एक फाइलम का नाम है अलग से, यस सर, हमारा नेक्स्ट फाइलम है, हाँ नेक्स्ट फाइलम है सर। एक बार लास्ट वाला पॉइंट दिखा दीजिए, बस इधर वाला ही रह रहा है, एक बार सामने नोट कर लेना भाई, देखो मैं अब दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता है, लेकिन रुक गया जल्दी करो फटाफट। सर डन हो गया भाई सबका, यस यस सर, ये लो लास्ट वाले पॉइंट और देख लो, और 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। सर डन, सर डन, चले नोट।
यस सर यस सर यस सर नेक्स्ट है हमारा मोलस्कस यस सर मोलस्कस फाउंड इन कहां पे पाया जाता है सर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन वाटर एक्वेटिक होते हैं मोस्टली ठीक है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं मैराइन वाटर यस सर फ्रेश वाटर भी में भी पाए जाते हैं यस सर और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं फ्यू ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ठीक है ठीक है सेकंड पॉइंट क्या होगा ऑर्गेनिज्म कैसा है ये यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल सर यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल सर यूनिसेक्सुअल इज यूनिसेक्सुअल ठीक है और क्या लिख सकता हूं मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर हम किसी में ऑर्गन सिस्टम लिखते हैं किसी में ऑर्गन लेवल है इसमें डिफरेंस क्या है हाँ लेकिन ना उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को देख के ही हम यहाँ पे लिखते हैं जो ये बने हुए हैं ना जो ये ग्रुप बने हुए हैं ठीक है उनमें कोई चीज कॉम्प्लेक्स है कोई चीज प्रिमिटिव है पहले वाली है ठीक है ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी सर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस कैसा है जरूर यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं ठीक है और ऑर्गन्स क्या होता है स्पेसिफिक चीज को हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओके यस सर तो सर मोलस्का मतलब उससे तो जो हमने अभी पढ़ी क्लास उससे तो आगे वाली है ना फाइलम तो सर लेकिन कोई कोई चीज क्या होता है कोई कोई चीज क्या होता है इनमें प्रिमिटिव है ठीक है ओके तो जरूरी नहीं है कि देखो मान लेते हैं मान लेते हैं कि जो हमारा एनालिडा है एनालिडा के अंदर क्या है क्लोज सिस्टम और सर्कुलेटरी है ना लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या है ओपन टाइप का है ठीक है यस सर ठीक है ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी ना ये चीज याद रखने वाली चीज है यही चीज एग्जाम में आती है जो स्पेसिफिक चीजें होती है यस सर एक्सेप्शन हाँ और डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक सर ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 ब्लास्टिक होते हैं मतलब थ्री जर्म्स लेयर इज आर प्रेजेंट ठीक है एक्टो मीजो एंड एंडो ठीक है सिमेट्री कैसी होती है इनकी बायलेटरल सिमेट्री इज बायलेटरल बायलेटरल सर एज वेल एज कुछ में एसिमेट्री भी होती है ठीक है जो टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है लिटिल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ठीक है लिटिल सेगमेंट्स प्रेजेंट है ये यहाँ पे और जो बॉडी है बॉडी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट
डिफरेंट सेगमेंट्स सेगमेंट्स डिफरेंट सेगमेंट्स 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 लाइक हेड फुट ठीक है हेड फुट और एब्डोमेन विसरल मासेस मतलब ऑर्गन्स में डिवाइडेड है फुट जो होता है वो हेल्प करता है हेल्प्स इन लोकोमोशन ठीक है बॉडी कैसी है इसकी सॉफ्ट है ठीक है बॉडी कैसी है इसकी सॉफ्ट है सॉफ्ट यस सर सर ये लास्ट एक्सोस्केलेटन कैसा है इसका वाई सेक्रल मसल विसरल विसरल सर इसका मतलब ऑर्गन्स होते हैं विसरल का मतलब होता है सॉफ्ट सॉफ्ट मासेस वाला तो सॉफ्ट मासेस वाले क्या होते हैं ऑर्गन्स होते हैं ठीक है सर इसमें पिछले वाले से क्या चीज बढ़ के है जो ये नेक्स्ट फाइलम में आया मतलब एक फाइलम और आगे आया एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम यहाँ पे पिगमेंट्स ब्लड है ब्लड के अंदर ओके सर एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह को तो हम ऑर्गन सिस्टम में कंसीडर करेंगे ना तो हमने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है क्या चीज सर एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह को तो हम ऑर्गन सिस्टम्स में लिखते हैं तो सर हमने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल क्यों नहीं हुआ एक्चुअली क्या है जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है बॉडी जो आपने कभी मोलस्क देखा है आपने स्नेल देखा स्नेल यस सर है ना स्नेल देखा होगा आपने है ना वो कैसे चलता है वो कुछ इस टाइप का होता है ना थोड़ा सा नीचे नहीं आ पा रहा है आगे आगे देखो एक एक पॉइंट लिखो फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बॉडी कैसी होती है इसकी सॉफ्ट होती है ना एंड एक्सोस्केलेटन कैसा था उसका हार्ड होता है हार्ड ठीक है जैसे स्नेल को मैंने अभी बताया आपको स्नेल कैसा होता है एक्सक्यूज मी सर सर एक चीज नहीं आ रही समझ में जब हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बोलते हैं एंडो मतलब अंदर का एक्सो मतलब बाहर का लेकिन सर अंदर स्केलेटन होता है सॉरी बाहर स्केलेटन आवाज कट रही है आपकी सर बाहर स्केलेटन कैसे होता है बाहर तो जैसे बाहर मतलब कवरिंग 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 का बोलते हैं बाहर वाला एरिया कवरिंग जैसे मैं स्नेल को बताता हूं मैं स्नेल का बताता हूं एक मिनट रुको मैं स्नेल का बता दूं एक बार ये नीचे नहीं आ रहा सर आप सर साइड में बना के बता दीजिए मैं साइड में तो नहीं आ रहा ना आ गया देखो जैसे स्नेल है हमारा ये है ना ये स्नेल कुछ इस टाइप का होता है यस सर ऐसे इसकी दो आंखें होती है ना यस सर और यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है ये यस सर होता है ना ऐसे कुछ सर ये हार्ड होता है ना ये है इसका एक्सोस्केलेटन कैसा ठीक है ये क्या इसका एक्सोस्केलेटन है जो हार्ड है जो प्रोटेक्शन करता है इसकी प्रोटेक्टिव होता है ठीक है तो ये हार्ड शेल से बना हुआ रहता है ठीक है और ये जो नीचे वाला एरिया उसका ये इसकी स्किन है ये इसकी क्या है स्किन है इसकी स्किन को हम मेंटल बोलते हैं ठीक है
और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है और हार्ड शेल से बना हुआ होता है ये, ओके। और बात रही सेगमेंट्स की, यहाँ पे डिवीजन की, यहाँ पे होता क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे एक्सोस्केलेटन तो बाहर वाला एरिया हो गया, लेकिन जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं इसके अंदर और जो फुट वगैरह होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज से हमें दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हेड अलग दिखाई देता है, इसके फुट अलग दिखाई देते हैं, और जो ऑर्गन्स वाला पार्ट होता है, जो ऑर्गन्स वाला पार्ट होता है वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही, मतलब पूरे में फैला हुआ है। मान लेते हैं ऑर्गन्स वाला पार्ट यहाँ पे इसका, ठीक है, ये ऑर्गन्स वाला हिस्सा हो गया, तो हम यहाँ इसको क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स वाला एरिया है अपना, ओके। यस सर यहाँ पर स्किन को वो लगा है ना, मेंटल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, स्लो कॉइलम ओपन ओपन बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यही दोनों तो थे, ठीक है, क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड किस कलर का होता है, ब्लड किस कलर का होता है, ब्लड इज सर येलो ग्रीन, ब्लड इज ब्लू कलर, ओके सर। जैसे ह्यूमन का ब्लड कैसा होता है, कॉपर कंटेनिंग, ह्यूमन का ब्लड कैसा होता है सर, रेड, रेड कलर ड्यू टू पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सर, हीमोग्लोबिन ड्यू टू पिगमेंट ऑफ हीमोसाइनिन, ठीक है, साइनिन क्या है, हीमोसाइनिन, साइनिन का मतलब होता है कॉपर कंटेनिंग, मतलब कि ब्लूइश कलर का पिगमेंट। यस सर, सर जैसे हमारा आयरन कंटेनिंग होता है, और सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है, तो इसका जो हीमोसाइनाइट होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है, जब हीमोसाइनाइट और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर का ब्लड दिखता है। बिल्कुल, ग्रीन भी होता है एक, यस 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 सर, वो वाला पिगमेंट दे दीजिए क्या सर, हीमोसाइनाइट की सर स्पेलिंग ही क्या है, समझ नहीं आ रहा, SEYANINE HEMO HAEMO हीमोसाइनिन, ओके सर। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है सर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट is complete, yes sir, मतलब anus और mouth दोनों present होते हैं, ठीक है, mouth to anus होता है, ठीक है। excretory organ कौन से होते हैं सर, किडनी सर, किडनी like organs होते हैं इसके पास। respiration कैसे करता है ये सर, थ्रू गिल्स, सर थ्रू गिल्स, तो गिल्स से करता है, ठीक है, ओके। और सर जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो, यस सर स्नेल, एक्चुअली क्या होता है ना, ये थोड़े से वैसे एरिया में रहते हैं जहां पे पानी होता है, मतलब स्नेल्स वगैरह जो होता है ना ऐसे नहीं मिल सकता, yes, आपको, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे स्नेल हो गया है ना, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस, और पहला हो गया, और यूनो हो गया, थ्रू गिल्स है आपने, हाँ जी गिल्स, गिल्स सर, चिटॉन सर, ये तो एग्जाम्पल्स, फिर हमने स्नेल का एग्जाम, अच्छा अभी आपने बताया था, ओके सर। सर ऑक्टोपस बाकियों से बड़ा नहीं होता, तो सर हमने इसको क्यों नहीं लिखा बिगेस्ट फाइलम,
उसमें और भी बड़े होते हैं क्या? अरे लार्जेस्ट फाइलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स का कंटेंट आता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं। ओके सर, हाँ ठीक है। यस सर। सर क्यों आ गए नजिंदी हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं क्या? सर ये ऑर्गेनिज्म भी हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल ओके सर। नोट कर लो उसको। सर डन। यस सर डन। सर जाइंट पेसिफिक ऑक्टोपस के सर 9 ब्रेन और 3 हार्ट होते हैं। क्या चीज? सर जो जाइंट पेसिफिक ऑक्टोपस होता है सर, जो उसके 9 ब्रेन और 3 हार्ट होते हैं। हाँ 3 हार्ट होते हैं। और सर 9 ब्रेन। सर 9 ब्रेन वाली सर गलत है सर, मैंने भी सोचा था जो सर ऑक्टोपस के 9 ब्रेन थोड़ी होते हैं सर, कहते हैं ऐसा पर होते नहीं है। कोई नहीं, जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आप खुद सर्च करना इस चीज को, ठीक है सर? किया हुआ है सर, वही बता रहा हूँ। देखो थ्री तो हार्ट्स होते होते हैं, दो हार्ट्स ऐसे होते हैं जो पंपिंग करते हैं, और तीसरा हार्ट होता है इसका जो पूरी बॉडी होती है ना, वो भी इसके हार्ट के तरह ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, मतलब देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है? और जो इसका नर्वस सिस्टम होता है, जैसे अपना नर्वस सिस्टम क्या होता है कि अपना ब्रेन माना जाता है, ठीक है? लेकिन जो इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, एक तो इसका मेन नर्वस सिस्टम मतलब एक मेन ब्रेन होता है, और जितने भी उसके आर्म्स होते हैं ना, जितने भी उसके आर्म्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, लार्ज लार्ज टाइप के गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो उनको भी कंसीडर किया जाता है एज अ ब्रेन, ठीक है? दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं ऐसा कि 3 हार्ट 9 ब्रेन, ठीक है? यस सर। ये नोट कर लिया आपने सारा पूरा? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। 9 ब्रेन सर होते हैं गूगल पे सर, हर जगह। गूगल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे माना जाता है कि मतलब जो उसके मतलब सेगमेंट्स जो होते हैं उसके, ठीक है, जो सेगमेंट्स जो होते हैं उसे कंसीडर किया जाता है ऐसा गैंग्लियन की तरह, तो उसको हम बोल सकते हैं 9 ब्रेन की तरह। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइलम हमारा एकाइनडर्मेटा। सर ये लास्ट कोई ना है? लास्ट ही है, इसके आगे भी है क्या कोई? यस सर, हेमिकोर्डेटा। ओके चलो वो भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मेटा का मतलब सर स्किन, बिल्कुल। और इकाइनो का मतलब, देखो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मा का मतलब क्या होता है स्किन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या है, स्पाइनी स्किन प्रेजेंट है ना, स्पाइनी स्किन होती है मतलब, ठीक है? तो कैसे ऑर्गेनिज्म है,
स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है इनके अंदर सर? बायलेटरल। कैसी होती है? बायलेटरल नहीं होती है, सिमेट्री इज रेडियल, रेडियल सिमेट्री। रेडियल, देखो रेडियल कैसे, इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, स्टारफिश होती है जो, है ना? यस सर। स्टारफिश आती है यहाँ पे, तो स्टारफिश कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है। है ना, इनको कैसे भी काटोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ना ये। फाउंड इन कहाँ पाई जाती है सर? एक्वेटिक। फाउंड इन एक्वेटिक होती है ना, फाउंड इन फ्री लिविंग मैराइन वाटर में, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है सर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक सर, ट्रिप्लो। सर एंडो, मीशो और एग। बिल्कुल सर। स्टारफिश तो हमने पहले भी एक एग्जांपल में लिखा था, जेलीफिश थी वो। ओके सर। यस सर, वो जेलीफिश थी। फिलोम कैसा होता है सर? क्या सर, क्या होता है? सिलोमिक होता है, सिलोमिक होती है। क्या पूछ रहे सर? सिलोमिक सर, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं इनके पास? यस सर। सेगमेंटेशन सर, सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंटेड बॉडी नहीं पढ़ते नहीं सर, अर्थवॉर्म की, और तो यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं होता है। बॉडी तो थी जिनमें अलग, जैसे लेग्स है तो मतलब कि सेगमेंटेड बॉडी है नहीं है, मतलब कि मतलब हेड है, थोरैक्स है, ये चीजें है या नहीं है, इनके पास नहीं होता। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सर, अब इसमें ऑर्गन सिस्टम बेटा एक ही तो बीच में आया ऐसा, सिर्फ यही तो मोलस्कन तो आया खाली बीच में ऐसा, वैसे तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ऐसे ही। यस सर। यस सर। इसमें ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा, कई सारे ऑर्गन। सर जहाँ सिर्फ ऑर्गन है उसमें क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है? नहीं ऐसे नहीं बोला जाता, एक ही ऑर्गन होता है, मतलब कि ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं सारे मिलके, है ना, एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि अगर ऑर्गन लेवल बोलते हैं तो वो सिस्टम फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी आपने पीछे जब हमसे पूछा था एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, तो वो तो सिस्टम मतलब फिर कैसे होता है उनमें? क्या चीज? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलो 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 सर। अभी आपने पीछे जब हमने ये सेकंड लास्ट किया था उसमें ऑर्गन, देखो सर, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल हम उसको बोलेंगे कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ओके यस, मत ओके सर, मतलब कि एक स्पेसिफिक मतलब दो 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 ऑर्गन या दो से ज्यादा ऑर्गन सारे मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम का मतलब, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि हर एक ऑर्गन से एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, देखो
जैसे मैंने अभी एक मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप स्टारफिश का मैंने डायग्राम बनाया है, तो स्टारफिश को इस टाइप का होता है ना, जस्ट स्टार की तरह। मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है ना? यस, ऐसा स्टारफिश होता है ना, स्टारफिश होती है ना ऐसी? यस सर। ठीक है, यस हाँ, स्टारफिश पे आपने देखा होगा छोटे छोटे से पोर से आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, है ना, ऐसे यस सर, ऐसे 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 देते हैं ना? यस सर, यस। ठीक है, देखो बाहर की साइड तो ऐसे दिखाई देते हैं, अंदर की साइड ये आपस में कनेक्ट होते हैं अंदर की साइड से। ठीक है, सही पोर्स। हाँ, मतलब एक ट्यूब में जाके खुलते हैं सारे पोर्स, ये पोर्स जो है एक ट्यूब में जाके ओपन होते हैं सर, पोरीफेरा जैसे। हाँ, मतलब अंदर की साइड से यस सर जाके ओपन होते हैं सर, ये पोर्स पूरी बॉडी पे होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, इसको नोट करते हैं ना, हैंड टू हैंड। ठीक है, ठीक है, ओके, यस सर, यस सर, यस। और इन पोर्स को हम बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं ये? क्या है? ट्यूब फीट, फीट है। होता क्या है, इन पोर की हेल्प से ही क्या होता है कि ये लोकोमोशन भी करते हैं, जैसे ये वाटर के अंदर रहते हैं, यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये वाटर है, मैराइन वाटर इनका। ठीक है, होता क्या है कि ये पानी को एब्जॉर्व करेंगे, मतलब ले लेंगे पानी को, और जैसे ही पानी को एब्जॉर्व करके और फुला लेंगे अपने आप को, और जैसे ही पानी को लूज करेंगे, तो एक 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 मतलब एक मतलब एक फोर्स पैदा होती है ना अंदर की साइड छोड़ते के साथ ही। यस सर, है ना, यस। इसकी हेल्प से लोकोमोशन भी करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ से। हाँ बिल्कुल, तो ट्यूब सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, है ना। Yes, sir. Tube system helps in locomotion. ठीक है, helps in locomotion. ठीक है, ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये वैस्कुलर सिस्टम है इसका, जो ये वैस्कुलर वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है, ठीक है, ये हेल्प कराता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, और लोकोमोशन में भी हेल्प कराता है ना, अभी देखा हमने, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कराता है। ठीक है, तीनों चीजों में हेल्प कराता है। ठीक है, ओके सर। और क्या बच गया यहाँ पे, कुछ बच गया क्या सर? कोई और पॉइंट रह रहा है क्या? नहीं नहीं सर, इनकी शेप कैसी होती है? स्टार लाइक होती है ना शेप? यस सर, स्टार लाइक है ना, स्टार शेप्ड होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल? इलॉन्गेटेड होते हैं। यस सर, इलॉन्गेटेड। सर वो आपने ट्यूब फीट लिखा है सर? हाँ जी, ट्यूब फीट लिखा मैंने। सर एक सेकंड के लिए ऊपर कर दीजिएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू सारी चीज परफॉर्म कर रहे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता स्पेसिफिक। यस सर। सर एक बार आप पहले सारे पॉइंट लिख देंगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, फोन की बैटरी कम है। अच्छा सर, ये वीडियो बहुत लेट अपलोड होती है ना, तो सर मैं उसमें से देख लेती सर। जैसे अगर कल की क्लास 4 बजे है, तो सर 3 बजे अपलोड होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं उनको बोल दूंगा जल्दी अपलोड कर दें। ठीक है, तो सर एक बार आप पॉइंट लिख दीजिए। ओके, और जो उसकी बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल मतलब बॉडी वॉल जो होती है ना, मतलब कि जो उसकी कवरिंग होती है, कवर्ड बाय स्पाइनी, है ना, स्पाइनी स्किन, अभी हम देखा था ना, तो स्पाइनी हार्ड। यस सर। एंड
कैल्केरियस प्लेट्स की कवरिंग होती है इन पे, जो बनाती क्या है एंडोस्केलेटन बनाती है इनका, ठीक है, टू फॉर्म एंडोस्केलेटन। सर वो आपने सर बॉडी को काट रखा है क्या? क्या चीज सर? वो आपने सर फर्स्ट में क्या लिखा है सर? बॉडी लिखा है या फिर सर उसको सर काट रखा है आपने बॉडी को? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बॉडी इज कवर्ड बाय, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं सर। कैल्केरियस यानी सर कंकड़ जैसी सर इनके ऊपर रहती है। हाँ कैल्शियम, कैल्शियम का कवरिंग होती है वो। ओके सर। हार्ड के पहले क्या लिखा है? हार्ड के पहले सर बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइनी, स्पाइनी सर, व्हाइट व्हाइट सी जो जमी रहती है उनकी स्किन पे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज सर। हो गए सारे पॉइंट? हाँ सारे पॉइंट हो गए सर। एक सेकंड एक बार देखना सर, सुबह करना है एक सेकंड के लिए। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सब मैं लीव कर दूँ? सर जी, सर आपने बताया सर इनकी शेप सर स्टार शेप्ड या इलोंगेटेड होती है, लेकिन सर इनके एग्जांपल सर सी उर्चिन भी तो आता है सर, वो तो राउंड शेप होता है। हाँ तो राउंड भी लिखो यहाँ पे, राउंड भी होता है, राउंड शेप के भी होते हैं। पर स्टारफिश में सर ब्लड नहीं होता और ब्रेन भी। क्या चीज होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है ना। ओके सर, सर एक बार सबसे ऊपर कर दीजिए। हाँ मैंने लिखा हुआ देखा तो सर इनके पास ब्लड नहीं होता। यस सर, यस ले लो। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सर अब डायग्राम। गुड इवनिंग सर। बाय सर। अपना भी सर्च करना है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गुड इवनिंग, इसमें सर एग्जाम्पल हमें खुद से लिखने थोड़ा सा। सर आपने कैल्केरियस के बाद क्या लिखा था सर, बस ये बता दो। कैल्केरियस प्लेट्स लिखा है मैंने। ओके सर, बस सर। हाँ सर, एक पॉइंट लिखा है सर इसमें, ऑल एकाइनोडर्म्स लैक हेड। सर इसमें एकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? हाँ हेड नहीं होता, हेड नहीं होता है, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके पास, ठीक है। तो लिख सकते हो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके सर। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। Good evening, everyone. Good evening, everyone.